टीकमगढ़ जिले में एक निज निवास पर मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्ष रमेश कुमार सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि खराब मौसम के चलते अतिवर्षा होने से उड़द, सोयाबीन, सब्जी फसलों का किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। विशेष बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 18 सितंबर 2020 को सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों के साथ एकत्रित होकर खराब मौसम से नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपेंगे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है सर? रमेश कुमार सोनी। किस पद पे हैं आप? मैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति कांग्रेस का प्रांत अध्यक्ष हूँ। किस संबंध में आपने पत्रकार वार्ता की है? आज की पत्रकार वार्ता बुलाने का मकसद सिर्फ ये है के जिले में अतिवृष्टि के कारण जो सोयाबीन उड़दा और मूंग की पूरी फसल खराब हो चुकी है और प्रशासन पूरा मौन बनाया हुआ है। ना तो पटवारियों को निर्देश दिए हैं सर्वे कराने के लिए, आदमी परेशान हो रहे हैं, इसलिए उनकी मांग को देखते हुए हमने ये आज पत्रकार वार्ता और मीटिंग बुलाई है, जिसमें जिले के लोगों को बुलाया गया था और उनसे पूरी जानकारी भी ली थी। इन लोगों ने कौन कौन रहा आपके साथ? हमारे साथ हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं, तो हमारे जिलाध्यक्ष साहब हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, हरलाल प्रजापति हैं, जमुना प्रसाद जी हैं और ये दुर्ग सिंह जी यादव, और महामंत्री जगदीश सिंह राय पली वो भी आए थे, सरवर खान खरगापुर ये लोग आए थे, तो मीटिंग कर चले गए। कितने तारीख ज्ञापन देना है आपको? हमको ज्ञापन देना है 18 तारीख को। किसके माध्यम से? अपनी संस्था के माध्यम से कलेक्टर को देंगे और मुख्यमंत्री को देना है ज्ञापन। किस संगठन के माध्यम से? मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कांग्रेस। ज्ञापन के बाद अगर जिला प्रशासन ने आपके मुद्दों पर कार्रवाई नहीं की तो आपके आगामी क्या कदम होंगे? अगर ज्ञापन के बाद भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इस संदर्भ में जिले के किसानों को लेकर एक आंदोलन चलाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।